सच्चाई क्या है, उस इंजन को नीट रखरखाव देख कर चलाने के काफ़ी नुकसान हैं और उस नुकसान को हम दो बड़ी कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक आपकी कैटेगरी है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी इंजन की कैसी होगी, इसका मतलब यह है कि वो जो तेल है इंजन के अंदर कैसे चलेगा, और ड्यूरेबिलिटी से उसका ये मतलब है कि इंजन के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। जैसा आप लोगों ने सीखा है यहाँ पर कि जो नीट वाली बनाए, अब हमें यहाँ ये सीखना है कि बायोडीजल बनाने का प्रोसेस क्या है और हम बायोडीजल बनाते कैसे हैं। बायोडीजल भारतवर्ष के अंदर हम बैच साइज प्रोडक्शन से बना सकते हैं। एल्कोहल और KOH की आवश्यकता होगी। मिथाइल एल्कोहल जैसा आपने यहाँ पर सीखा है कि आपको 10% के घंटे तक करना है। एक घंटे करने के बाद जब आप उसे छोड़ेंगे तो आपकी दो लेयर डिस्टिंक्टिव लेयर बन जाएगी। जो नीचे वाली लेयर है वो आपकी ग्लिसरॉल की होगी। ऊपर वाली लेयर हम है कि बायोडीजल बनता कैसे है और बायोडीजल का प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बायोडीजल एयरपोर्ट स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, इसी वजह से जो आपका कच्चा तेल है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। हमें ये देखना है कि जो तीनों चेन है ये टूट जाए। तीनों चेन हमारी जब भी टूट पाएंगी कि जब हम उसे मिथाइल एल्कोहल और KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तीनों चेन अलग अलग हैं। इसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट 10 times कम हो चुकी है। ये बायोडीजल का रिएक्शन है आपका। बायोडीजल हमें क्या देता है? बायोडीजल हमें अच्छा पब्लिक अच्छी हेल्थ दे रहा है, हमें अच्छी इकोनॉमिक्स दे रहा है, अच्छा ऑपरेशन दे रहा है। हमें बायोडीजल को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये सेफ है, नॉन टॉक्सिक। इंजन के अंदर जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो सारा का सारा पौधों के द्वारा शोषण हो जाएगा उसका, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे अपनी ऊर्जा बनाएंगे। इस प्रोसेस को जैसा आपको पता है फोटोसिंथेसिस। जो भी रॉ मटेरियल है बायोडीजल का वो एडिबल ऑयल है, क्योंकि उनके पास एडिबल ऑयल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और हमें भारतवर्ष के अंदर सिर्फ बायोडीजल, हर एक देश के लिए अलग अलग है। जिस देश में जो भी फीड स्टॉक ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है उसी से बायोडीजल बनाए। जैसे जत्रोफा एक ऐसी प्रजाति है जो भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी लगाई जा सकती है, और उसको लगाने के लिए सबसे अच्छा समय नर्सरी रेज करना है। सबसे पहले नर्सरी रेज करने के लिए जो उत्तम समय है वो आपका फरवरी और मार्च का है। उसके लिए आप ऐसा करें कि एक पॉली बैग ले लें, पॉली बैग के अंदर खाद FYM और मिट्टी का अच्छा मिश्रण मिला दें, और हर पॉली बैग के अंदर दो दो सीड डाल दें। आप प्लांट है उसे निकाल दें, उसे दूसरे पॉली बैग में ट्रांसफ़र कर दें, और इस प्लांट को आपको करीब 2 महीने के अंदर पॉली बैग में रखना है। जब बरसात का समय आपका मई या जून या जुलाई में आ जाएगा, आप तब उस पॉली बैग है वहाँ से ट्रांसफ़र करके खेतों के अंदर लगाएं। खेतों के अंदर लगाने के लिए जो आपकी आइडियल डिस्टेंस है वो 2 meters by 2 meters है। यदि आप 2 meters by 2 meters लेते हैं तो आपके करीब 1 hectare के अंदर 2500 पौधे लग सकते हैं। 2500 पौधे लगाने के लिए जो एक आम लागत है जत्रोफा की करीब 30,000 rupees पर हेक्टेयर है। 30 से 35, उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जत्रोफा पहले साल से ही आपको फल देना शुरू कर देगा। पहले महीने यहाँ पर पानी की दिक्कत है, पानी की किल्लत है, वहाँ सबसे पहले आप जत्रोफा लगाएं।